Hello masses, welcome back to my channel Sacred English Academy. This is Shweta, an IELTS trainer and a motivational speaker. आज का मेरा वीडियो फिर से उन IELTS स्टूडेंट्स के बारे में है जिनको ग्रामर पोर्शन में बहुत ही प्रॉब्लम है. सो माई टुडे टॉपिक इज द यूज ऑफ वॉज एंड वर. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक लेट मी टेल यू वन थिंग कि वॉज वर का यूसेज सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए होता है. हिंदी में अगर मैं बात करूँ, पास्ट मीन्स भूतकाल, ऐसी चीज़ें जो कि निकल चुकी हैं, ऐसी बातें जो कि हो चुकी हैं, अगर आपको उनको डिस्क्राइब करना है तो यू हैव टू यूज वॉज एंड वर. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रूल. व्हाट डज द रूल सेज? सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात हो रही है, ये आपका वॉज वर है, मतलब जब आप पास्ट की बात करेंगे, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट जिस चीज के ऊपर बात की जा रही है. सो लेट्स डिस्कस इट विद एन एग्जांपल. द फर्स्ट इज वह मेरा दोस्त था. पास्ट की बात है और वो कैसे पता चलता है? विद था. सो हाउ कैन वी राइट इट इन इंग्लिश? ही वॉज माई फ्रेंड. जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यू हैव टू यूज वॉज और वर. और यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर चीज की बात हो रही है, एक ही इंसान की बात हो रही है, तो यू हैव टू यूज वॉज. और नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं एक कलाकार था. आई वॉज एन आर्टिस्ट. यहाँ पे भी इन द प्लेस ऑफ था यू हैव टू यूज वॉज. अब मैं आपको ये बता दूं कि आप वॉज का इस्तेमाल और किन किन चीजों के साथ कर सकते हैं. यू कैन यूज इट विद ही, शी, इट, दिस, दैट एंड आई. सो नेक्स्ट लेट मी टॉक अबाउट वर. वर का यूसेज सिर्फ और सिर्फ प्लूरल चीजों के साथ होता है, जैसे कि यू कैन यूज इट विद यू, दे, वी, दीज एंड दोस. सो हम समझते हैं इसको इन्हीं सेंटेंसेस को चेंज करके. जैसे कि यहां पे ये सेंटेंस बनता है वे मेरे दोस्त थे. सो हाउ कैन यू राइट? अगर हम इसको चेंज करते हैं, यू कैन से वे मेरे दोस्त थे. वे मीन्स दे. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम प्लूरालिटी की बात करते हैं, प्लूरल चीज की बात करते हैं, तो यू हैव टू राइट वर. दे वर माय फ्रेंड्स. फ्रेंड के साथ हमने लगा दिया एस, विच मींस इट्स प्लूरल. सो नेक्स्ट वी हैव, यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है मैं एक कलाकार था. हम इसको चेंज कर लेते हैं. हम कहते हैं हम, क्योंकि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो हम एक को मिटा देंगे. हम कलाकार थे. हम किसको बोला जाता है? हम बोला जाता है वी को. प्लूरल है तो हम वर्ब का यूज करेंगे और एन को हम इरेज कर देंगे क्योंकि एन सिंगुलर चीज को शो करवाता है. वी वर आर्टिस्ट. सो यहां पे पास्ट चीज को क्या शो करा रहा है? एक तो यहां पे थे, वर, अगेन यहां पे थे एंड अगेन यहां पे वर. सो आइए हम चलते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर. आवर फर्स्ट सेंटेंस इज वे मेरे दोस्त नहीं थे. मींस नहीं शोज नेगेटिविटी. और एक चीज आपको मैं बता दूं, जब भी आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको नॉट का यूज करना है. जैसे मैं ऊपर रूल में लिख चुकी हूं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. तो आइए हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं. वे मेरे दोस्त नहीं थे. दे वर नॉट माय फ्रेंड्स. इन द सेम मैनर हम कलाकार नहीं थे. वी वर नॉट आर्टिस्ट. तो जो ये नहीं है वो नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. द सेम इज हियर. अब हम बात करते हैं वॉज के बारे में. अगर हम वॉज के सेंटेंसेस को
नॉट में कन्वर्ट करते हैं. जैसे कि मैंने पहला सेंटेंस ही लिखा था, वह मेरा दोस्त था. अगर हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, वह मेरा दोस्त नहीं था. सो हाउ कैन वी से ही वॉज नॉट माई फ्रेंड. वह मेरी अध्यापक नहीं थी. शी वॉज नॉट माई टीचर. सो इन द सेम मैनर यू हैव टू गो ऑन बाई यूजिंग द वर्ड नॉट. लेट्स मूव ऑन टू द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव मीन्स जब कोई सवाल पूछा जाता है. जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जब भी आपको कोई सवाल पूछना है तो आपको क्या लगाने की जरूरत है? अ बिग क्वेश्चन मार्क. सो इस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं. हम यहां पे लगा देते हैं क्या. क्या वे मेरे दोस्त थे? सो इंटरोगेटिव में बनाने के लिए आपको इस वर्ब को यहां पे लेके आना है. सो हाउ कैन यू राइट वर दे माय फ्रेंड्स एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. आइए हम दोबारा से इस सेंटेंस को रीड करते हैं, फर्स्ट विद हिंदी एंड देन विद इंग्लिश. सो हिंदी सेंटेंस क्या कहता है? क्या वे मेरे दोस्त थे? इन इंग्लिश वर दे माई फ्रेंड्स. इन द सेम वे हम सेकेंड सेंटेंस को चेंज करते हैं. सो इन सेकेंड सेंटेंस वी कैन राइट क्या हम कलाकार थे? इन इंग्लिश वर इज एट द स्टार्टिंग वर दे वर वी आर्टिस्ट एंड एट द एंड there is a question mark. So this is all about the use of was and were. I hope aap sabko ye video pasand aayi ho. Aur iske sath hi sath main aapko bata dun ki grammar portion se related meri aur bhi videos aane wale dino mein aapke paas pahunchengi. For that you have to subscribe my channel and press the notification button so that jitni videos main upload karu uski sabse pehle notification aap sab logo ke paas aaye. So thank you very much and have a nice day.